Welcome, my name is Jamin Lalwani, Semester 4, Electrical Engineering, Tulani FG, Polytechnic. तो आज हम सीखेंगे फुल एडर का लॉजिक डायग्राम कैसे बनाए। तो ये फुल एडर का लॉजिक डायग्राम हम फोर स्टेप्स में सीखेंगे, जो इसके मेन फोर स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक्स और एक्स नॉर का बुलियन एक्सप्रेशन कैसे आता है। सेकंड स्टेप में हम फुल एडर का ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे, और थर्ड स्टेप में उस ट्रुथ टेबल पर से बुलियन एक्सप्रेशन निकालना सीखेंगे। और फोर्थ स्टेप में जो मेन है, जो हम उस बुलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन करना भी सीखेंगे। मेरा नाम है विद्या विशरिया, स्टडिंग इन तोलानी एफजी पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट फोर्थ सेम। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम ट्रुथ टेबल में से बुलियन एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये ट्रुथ टेबल हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है ए, बी और वाई। तो ए, बी हमारे दो इनपुट्स हैं, और वाई हमें बताता है कि क्या आउटपुट है। तो हम ये देखेंगे कि एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। एज वी नो कि एक्स नॉर इज इन्वर्ट ऑफ एक्स और, तो यहाँ इन चार में जहाँ पर हमें इनपुट में वन मिलता है, यहाँ उसका अपोजिट होगा। जहाँ पर हमें वन मिलता था वहाँ हमें जीरो मिलेगा, और जहाँ जीरो वहाँ पर हमें वन मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर हम किसको कंसिडर करेंगे, जहाँ पर आउटपुट में हमें सिर्फ वन मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इनके इनपुट्स क्या हैं। तो फर्स्ट वन के लिए है 1 0, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर 1 है वहाँ पर हम बात कंसिडर नहीं करेंगे, पर जहाँ पर 0 आता है वहाँ पर हम बात लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये एक्सप्रेशन लिखा हमने फर्स्ट के लिए, और जहाँ पर 1 और 0 था, तो मैंने 1 के लिए लिखा सिर्फ a, और 0 है तो वहाँ पर हम लिखेंगे b, और हम ऊपर लगाएंगे बार। और क्योंकि एज वी नो इट्स SOP फॉर्म, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब सेकेंड वन के लिए यहाँ पर 0 और 1, तो क्योंकि अब आपको पता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 के लिए a बार, और यहाँ पर 1 है तो हम लिखेंगे सिर्फ b। और ऐसे ही हम यही लॉजिक हम इस टेबल में भी लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कंसिडर किया था सिर्फ ये 1 आउटपुट को, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 1 और 1 को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ 1 के लिए हम लिखेंगे a बार और b बार, क्योंकि यहाँ हमने इनपुट में दोनों 0 दिए हैं, और क्योंकि ये SOP फॉर्म है तो प्लस, और यहाँ पर दोनों इनपुट 1 और 1 है तो सिर्फ a b, इसमें हम बार नहीं लिखेंगे। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि फुल एडर का ट्रुथ टेबल कैसे बनाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फुल एडर का ट्रुथ टेबल बनाया है। फुल एडर के ट्रुथ टेबल में 3 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं। 3 इनपुट कौन से, तो ये ए, बी, सी, ये 3 इनपुट हैं इसके, और ये एस और सी, एस मतलब सम और सी मतलब कैरी, ये दोनों इसके आउटपुट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशंस हैं इन 3 इनपुट और 2 आउटपुट के लिए, वो हमने लिखे हैं। अब अगर आपको बाइनरी एडिशन आता है तो आप इजीली ये टेबल सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्रुथ टेबल आराम से बना सकते हैं विद बाइनरी एडिशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशंस में से 4 सम के लिए 1 निकले हैं और 4 कैरी के लिए 1 निकले हैं। तो अगर आपको बाइनरी टेबल आता है, बाइनरी एडिशन, तो आप ये आराम से कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड स्टेप करते हैं। अब थर्ड स्टेप में हमें देखना है कि हम इस ट्रुथ टेबल में से बुलियन एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ लगाएंगे जैसे कि हमने एक्स और एक्स नॉर में किया था। जब हमने वहाँ पर किया था कि जहाँ पर हमने 1 इनपुट दिया है वहाँ पर हम एज इट इज़ इनपुट को कंसिडर करेंगे, और जहाँ पर 0 आता है, 0 इनपुट हमने दिया है, वहाँ पर हम बार लगाएंगे, जैसे कि b बार और c बार। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट आउटपुट के लिए a, b बार और c बार, ऐसे ही सेकेंड आउटपुट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे
सेकेंड आउटपुट के हम लिखेंगे ए बार और बी और सी बार। फिर थर्ड आउटपुट जहाँ पर हमें वन मिल रहा है वहाँ हम लिखेंगे ए बार बी बार और सी। ऐसे ही फोर्थ आउटपुट के लिए हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने तीनों इनपुट वन दिए हैं तो हमें बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ए बी और सी। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन सम के लिए। ऐसे ही हम कैरी के लिए भी यही कंसिडर करके लिखेंगे, जैसे कि जहाँ पर आउटपुट वन मिल रहा है तो वहाँ के लिए हम लिखेंगे ए बी और सी बार। सेकेंड आउटपुट के लिए हम लिखेंगे ए बी बार और सी। थर्ड आउटपुट के लिए ए बार बी और सी। और लास्ट के लिए हम लिखेंगे ए बी और सी, क्योंकि हमने यहाँ पर इनपुट में तीनों वन दिया है, जीरो नहीं है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है सम के लिए और कैरी के लिए। तो अब फोर्थ एंड फाइनल स्टेप, तो जैसा कि अब हम इसमें लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सम और कैरी के लिए बुलियन एक्सप्रेशंस लिखे हैं। तो अगर हम इन्हें ही इम्प्लीमेंट करेंगे लॉजिक गेट में तो इसमें बहुत सारे लॉजिक गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी और हार्डवेयर भी बढ़ जाएंगे। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके कम से कम हार्डवेयर की मदद से हम लॉजिक गेट इम्प्लीमेंट करें तो वो बेटर रहेगा। तो इसीलिए हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सम और कैरी इन दोनों में चार चार टर्म्स हैं, तो हम चलो पहले हम सम को सिंप्लीफाई करते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो पहले हम सम में से ये पहले के दो टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे, जो कॉमन टर्म्स हैं उन्हें निकालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार, तो इसमें सी बार दोनों में कॉमन है, तो पहले हम इन दोनों में से सी बार कॉमन निकाल देंगे और जो बचा जैसे कि ए बी बार और प्लस ए बार बी, तो उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। और वैसे ही नेक्स्ट सेकंड टर्म्स जो है ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी, तो इसमें जो कॉमन है वो है सी, तो हम सी को बाहर फिर से कॉमन ले लेंगे और जो बचा ए बार बी बार प्लस ए बी उसे हम ब्रैकेट में ही रखेंगे। तो अब इस इन दोनों एक्सप्रेशंस को देख के अभी आपको समझ में आएगा कि हमने स्टार्टिंग में एक्स और एक्स नॉर के बुलियन एक्सप्रेशंस क्यों लिखे थे और क्यों समझे थे। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये जो इक्वेशन है ये जो आपको एक्सप्रेशन मिला है ये एक्स सेम एज एक्स और के जैसा ही है और ये एकदम एक्स नॉर के जैसा है। तो बस यहाँ पे हम एक्स और एक्स नॉर को ही सिंपल उसका सिंबॉलिक नोटेशन लगा के उसको आगे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जैसे कि ए बी बार प्लस ए बार बी, तो एक्स और का सिंबॉलिक नोटिफिकेशन है ए प्लस और उस पर सर्कल और बी, जिसे हम ऐसा भी बोलते हैं ए एक्स और बी। और वैसे भी एक्स नॉर का है ए डॉट बी और डॉट पे सर्कल, तो उसे हम ऐसा ही बोलेंगे ए एक्स नॉर बी। तो बस अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि अगर मैं एक्स और जो टर्म आया है हमारा जैसे कि ए एक्स और बी उसे मैं एक्स कंसिडर कर देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने उसे एक्स कंसिडर किया है, तो उसे अगर मैं एक्स कंसिडर कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा सी बार, जो यहाँ पे देखिए हमने सी और सी बार जो हमने कॉमन निकाला था पहले वो वैसा ही रखा है, उसे चेंज नहीं किया है, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स थे उन्हें ही चेंज किया है और सिंप्लीफाई किया है। तो देख सकते हैं जैसा कि अब मैंने इस एक्स और एक्स नॉर को एक्स कंसिडर किया है, तो अगर एक्स और को मैं एक्स कंसिडर करता हूँ तो एक्स नॉर उसका उल्टा होगा मीन्स इनवर्ट में जाएगा, तो एक्स और अगर एस होता है तो एक्स नॉर एक्स बार होगा, ठीक है। तो फिर से आप देखें ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है ये इसके जैसा ही है, जैसे कि सी बार एक्स तो यहाँ पे ए बार बी था
और वैसे ही सी बार सी एक्स बार, तो यहाँ भी ए बी बार का, तो ये फिर से एक्स और जैसा ही है। तो हम फिर से इसे जैसा हमने यहाँ पे लिखा था इसको सिंप्लीफाई करके वैसा ही यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इसको ए एक्स और बी लिखा था, तो हम यहाँ पे इसको सी एक्स और एक्स लिखेंगे। तो हमारे जो फाइनल सिंप्लीफिकेशन आया वो ये है। तो चलो अब ये जो देखिए हमारा सिंप्लीफिकेशन करने का क्या फ़ायदा हुआ, पहले हमें इतने सारे जो एक्सप्रेशंस आए थे उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता, लेकिन अभी बस इतने के लिए ही हमें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सम का लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन किया है ये बुलियन एक्सप्रेशन को ध्यान में रखें। तो पहले आप देखिए हमें सबसे पहले इनपुट आउटपुट में हमें क्या मिला है, तो सी एक्स और एक्स, तो हमें सबसे पहले इधर सी देना पड़ेगा और एक्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक्स और गेट बनाएंगे। अब एक्स और के लिए हम दो इनपुट्स रखेंगे, एक सी और एक एक्स। तो यहाँ पे हमने इनपुट में देख सकते हैं आप, इनपुट हमने एक सी दिया है और एक एक्स दिया है। अब एक्स क्या है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया एक्स क्या है, तो एक्स और ही है वो जो हमने पहले इधर सिंप्लीफाई किया था। तो वो हम फिर से यहाँ पे एक्स और का एक और बनाना पड़ेगा हमें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे हम फिर से एक्स और का ही एक लॉजिक गेट बनाएंगे, और एक्स और क्या है, तो ए बार बी प्लस ए बी बार, तो बस हमें उसके इनपुट में ए और बी देना है। तो हमने यहाँ पे इनपुट में ए बी और सी ही दिया है, और उसका हमें फाइनल जो आउटपुट मिलता है जो हमने यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन बताया था जो है सी एक्स और एक्स। तो ये हो गया हमारा सम के लिए लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन। अभी आप नीचे को मत देखिए, सिर्फ ऊपर को ही देखिए, जो ऊपर हमने ये दो खाली एक्स और गेट बना के हमने सम के लिए लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन किया है। अब हम कैरी के लिए सेम ऐसा ही लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, पर उससे पहले जैसे हमने सम में सिंप्लीफिकेशन किया था बस वैसा ही इसमें भी करना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म इन दोनों में से कोई एक कॉमन नहीं है टर्म, जैसे कि इसमें ए बी सी बार है और इसमें ए बी सी है, तो इसमें से हम ए बी कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या आएगा, तो सी बार प्लस सी, और फिर ये दो बीच के टर्म्स बचते हैं इसको भी हम नीचे ले लेंगे कॉमन निकाल के, जैसे कि ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी। तो इसमें से आप देख सकते हैं जैसे कि इन दोनों में सी कॉमन निकलेगा, तो हमने यहाँ पे सी कॉमन निकाला है और ब्रैकेट में ए बी बार प्लस बी ए बार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इक्वेशन एस सेम एस इसके जैसी है जो मैंने आपको पहले बताया था सम करते हुए, तो इसे हम ए एक्स और बी लिख सकते हैं। तो बस हमें यही करना है। तो पहले आप ये देखिए कि सी बार प्लस सी वन हो जाता है जैसा आपको पता है, और ए बी इंटू वन करेंगे तो आंसर एस सेम एस जो पहले था वही निकलेगा, मतलब ए बी ही आएगा, तो ए बी प्लस ए एक्स और बी। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हुआ कैरी के लिए। तो अब इस सिंप्लीफिकेशन से हम लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो हमने बुलियन एक्सप्रेशन लिखा है उसमें हमने किया क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट किया है, मतलब हमें इसमें ऑरिंग करना है। तो ऑरिंग के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे और गेट लगाया है, तो ऑरिंग करना है तो हमने यहाँ पे और गेट लगाया, जैसे ए बी प्लस सी ए एक्स और बी, तो यहाँ पे ऑरिंग करने के लिए हमने ये लगाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी मतलब यहाँ पे हमें एंडिंग करनी है, तो हमने एक एंड गेट लगाएंगे और सी ए एक्स और बी, तो उसमें भी हमें यहाँ पे एंडिंग करनी है, तो हम यहाँ पे दो एंड गेट का यूज करके ये पूरा बुलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे और लास्ट में ऑरिंग करके उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए बी के लिए हमने ऊपर से इनपुट्स में से ए बी ले लिया है, जैसे कि ए बी के लिए एंड गेट ये रहा, तो इसमें ये ए जाएगा ऊपर, देखिए ऊपर से हमने इनपुट लिया है और ये बी का इनपुट यहाँ से, तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, तो ए इंटू बी। और सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने एक तो इनपुट लिया है सी, और दूसरा देखें तो दूसरा हमने लिया है एक्स में से, जो एक्स और था
जिसका हमें मिलेगा ए एक्स और बी। तो यहाँ पे हम सी और ए एक्स और बी इन दोनों को एंड गेट का यूज करके निकालेंगे तो इसका आउटपुट आएगा सी इंटू ए एक्स और बी। अब ये दो जो हमारे टर्म्स निकले हैं एंड गेट यूज करके उसको हम और गेट में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका आउटपुट निकलेगा ए बी प्लस सी इंटू ए एक्स और बी। तो यही जो हमने यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई किया था वही हमें यहाँ पे मिल गया। तो अब आप पूरा देखिए, जैसे कि ये रहा सम के लिए हमने ये निकाला था और कैरी के लिए हमने ये निकाला था। तो हमें सम के लिए यहाँ पे सेम एस दिस मिल गया है सी एक्स और एफ एक्स और कैरी के लिए भी सेम यही एक्सप्रेशन मिल गया है। तो आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे कि लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं सिंप्लीफिकेशन करके, ताकि हमें हार्डवेयर और लॉजिक गेट्स की बहुत कम जरूरत पड़े और ये बहुत ईजी भी पड़ जाता है। थैंक यू।